क्या रे, वीडियो करो वीडियो करो वीडियो करो वीडियो करो यूट्यूब पर पोस्ट करो। A few moments later. तो सैनिटाइजर पी लिया है क्या? ओ भाई, ओ भाई नहीं नहीं। ओ ओ भाई। मारो मुझे मारो, मारो मुझे मारो, मारो। I got problems on problems on problems on problems on problems on problems that solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. तो हे गाइस, आज हम लोग फिर से वापस हो गए PUBG द मोबाइल के नए गेम प्ले वीडियो में। और जिस जिसको भाई स्टार्टिंग पसंद आई है भाई, उसने भाई इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और लाइक करना ही पड़ेगा, ये मेरी जबरदस्ती। तो भाई सामने एक बंदा कुतरा होता है और भाई उसे हम मार देते हैं फिलहाल। तो इसे नॉक कर दिया। भाई आप बोल रहे हो कि भाई मतलब ये आपने तो थंबनेल में डाल चुका भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है और यहाँ पे तो भाई आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड दिख रही है। तो भाई आपको बता दूँ ये बस कुछ चंद मिनटों की मेहमान है, उसके बाद मतलब ये तीनों के तीनों मर जाने वाले हैं और ये पूरा का पूरा सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच होने वाला है। और आपको एक बात बता दूँ तो मतलब यार इस मैच में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सोलो वर्सेस स्क्वाड के क्लच है और आप गिन नहीं सकते उतने ज़्यादा सोलो वर्सेस स्क्वाड के क्लच है। तो इस वीडियो का भाई एंड तक ज़रूर देखना, मतलब मैं हमेशा अभी भी नहीं बोलता पर इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि भाई मतलब मैं जब भी मेरे वीडियो का एनालिसिस करता तो भाई मतलब आप बस दो तीन मिनट ही वीडियो देखते और फिर छोड़ देते हो, वैसा मत करना। इस वीडियो को भाई खासकर इस वीडियो को भाई पूरा का पूरा देख लेना। तो भाई अभी सामने बंदे होते हैं, उनसे फाइट लेते हैं पहले, तो वो मेरे टीममेट से फाइट ले रहे होते हैं और भाई हम पीछे से उनको दफा करने वाले। सो सामने बंदे होते हैं, एक को तो मैं नॉक कर देता हूँ और एक को मेरा टीममेट नॉक कर देता है सामने। तो अभी भाई साहब मुझे पीछे से पड़ते हैं और देखो भाई मेरी हेल्थ देखो, बस भाई हेल्थ देखो मेरी भाई, कुछ तो बचाए मतलब यार अगर तो मैं वहाँ पे नॉक हो जाता भाई मतलब यार गेम प्ले आता भी नहीं। और तभी भाई साहब सामने से भी बताता है मेरी तो यहाँ पर मतलब यार बहुत ही दिक्कत आ जाती, देखो मेरी हेल्थ है ही नहीं, हेल्थ है ही नहीं। तो भाई मैं तो पहले भाई फर्स्ट एड लगा देता हूँ। भाई मेरे सारे के सारे टीम में नॉक थे और जो चार नंबर था वो भाई हमारे पास उतरा ही नहीं था। तो भाई यहाँ पर एक बंदा होता है और भाई ओपी सीन भाई -10 सेकंड करके एक बार देख लो सीन। यहाँ पे दो बंदे थे, आपको लग रहा तो भाई यहाँ पे एक ही बंदा होगा पर यहाँ पे दो बंदे थे और वो डीपी वाला जिसने मुझे 1 HP का छोड़ा था वो दूसरी टीम से था और वो मुझे बात अभी पता चलती है। भाई तभी तो तुमने पीछे से वार किया था पर अभी तो भाई सामने से वार किया और सामने से हम आते तो भाई हम तो भाई किसी को नहीं छोड़ते। सो भाई इसे भी हमने मार दिया और भाई इस क्लच के लिए तो आपको लाइक करना ही पड़ेगा और अगर इस क्लच का आपको नहीं पसंद आया तो भाई आगे ढेर सारे क्लच है भाई, आप मस्त भी इन्जॉय कीजिए। और इस वीडियो को भाई भाई बार बार क्यों बोल रहा हूँ पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि भाई इस वीडियो में सच में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा क्लच है। तो भाई यहाँ से पहले निकल लेते हैं अभी और भाई मैं निकल लेता हूँ भाई, अभी रोचक से कहाँ जाएंगे तो भाई पूछेंगे ही जाएंगे ना यार, तो निकल लेते पहले तो यहाँ पे और पूछेंगे भी जाते हैं, बंदे को मारना पड़ेगा यार। सो बूम गए हमारा आ चुके हैं पोचिंग के और यहाँ पे मुझे यार हल्के से थोड़ी से फुटस्टेप आते हैं और मेरे टीममेट को भाई बोलते हैं कि भाई मुझे यार मतलब लाल उनको फुटस्टेप बैठे मतलब यार यहाँ पे बंदा कंफर्म ही था। और देखो मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया क्योंकि भाई मुझे बंदा दिख ही नहीं रहा था, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा लेकिन मेरे को लाल कलर के फुटस्टेप नहीं आए थे पर थोड़ा सा एक छोटा सा हल्का सा साउंड आया था। तो मैं यहाँ पे यार मतलब ढूंढने की बहुत बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कट भी कर चुका हूँ पर यहाँ पे मुझे बंदे मिलते नहीं यार। बहुत ढूंढा मैंने यार यहाँ पे मतलब मुझे किल्स भी चाहिए थे, मैंने यहाँ पे 3 स्टोरी पे चढ़ के बिड़ के यहाँ पे उतर के मतलब 3 स्टोरी पे चढ़ के पर बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। तो मैं सोच रहा था भाई चलो कोई बात नहीं यार यहाँ पे नहीं मिले, कुछ तो भय वेम हो गए पब्जी के नशे हो गए। तो भाई अभी सीधा चलते हैं ब्रिज पर क्योंकि भाई ब्रिज पर बंदे कन्फर्म होंगे यार। और यहाँ पे भाई एक ड्रॉप भी होता है जो यहाँ पे सामने ही गिरा था पर क्या पता कहाँ से गायब हो गया, लिटरली गायब हो गया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। और मेरे टीममेट को बाद में दिखाई देते हैं पर कहाँ दिखाई देते हैं कोई मुझे आइडिया नहीं। ड्रॉप है ब्रो, ड्रॉप है ड्रॉप। और यहाँ पे मतलब मैं रुका लेता हूँ क्योंकि भाई मेरे को ब्रिज से पढ़ने लगती है और भाई पीछे से भी पढ़ने लगती है, जो घर टाइप है ना एक बहुत ही खुला सा घर उधर से भी पढ़ने लगती है। तो भाई यहाँ पे मैं पहले रुक दिख लेता हूँ भाई, फिर हिल बिल करना तो बनता ही है यार क्योंकि ऐसे तो नहीं लड़ पाएंगे यार यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब मैं उसे बहुत ज़्यादा रोने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट कट कर चुका है और तभी मुझे पता चलता है भाई वो तो ब्रिज के ऊपर चढ़ा हुआ है, देखो सामने दिखा आपको। तो भाई इसे तो मतलब इजीली नॉक ही कर दिया हम लोगों ने और मेरे को इसको फिनिश करना चाहता था तभी फिर मुझे पीछे से भी पढ़ने लगती है तो मैं थोड़ा सा डरने लगता हूँ पर सोच लेता हूँ भाई इसको तो फिनिश करके ही जाएंगे यार। तो इसे मतलब एक हेड लगा और एक बॉडी लगा तो भाई डीपी का हेड बॉडी यार मतलब बंदा तो फिनिश होना ही था यार। और यहाँ पे मतलब सामने भी बंदे थे और मुझे वो सामने एक ट्रक के उधर बंदा दिखाई देता है,
लगभग हम दोनों ने एक मेरे को सेमी डैमेज दे चुका था, और यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा पीछे को आ लेता हूँ और मेरे टीममेट को भी बुला लेता हूँ जो नंबर 4 होते हैं। पर भाई आप बोल रहे होंगे भाई तूने तो बोला था भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है, और ये तो भाई तू नहीं तेरे आ जाओ टीममेट के घर साथ पे आ खेल रहा जाओ। है, पर भाई ये देखो मेरे साथ कितने वक्त खेलता है आप देखना। ये मेरी थोड़ी भी नहीं हेल्प करता क्योंकि भाई इसके क्रेड अभी सामने बने रहते हैं, तो मैंने फिलहाल तो यहाँ पे स्मोक भी कर दिया और सामने उन बंदों पर रेस्ट करने की सोचा क्योंकि भाई क्लोज रेप जी हमारा कोई जवाब ही नहीं है यार। थोड़ी सी तारीफ खुद की भी करनी चाहिए यार, तो ये लोग करेंगे ना यार। तो यहाँ पे मैं अंदर को आ जाता हूँ तो मेरे टीममेट को पता नहीं था बंदे कहाँ पे, तो भाई वो नॉक हो जाता है और भाई वो डीपी का स्प्रे रोकता ही नहीं है, उसे पूरा का पूरा फिनिश कर देता है। पर भाई मैं उसे नॉक कर देता हूँ और मेरे पास देखो भाई एमओ की कितनी ज़्यादा कमी है। देखो मेरे पास एमओ भी नहीं है और मुझे देखो सामने एक बंदा दिखाई देता है, उसे भी मैं नॉक कर देता हूँ। अभी भाई उसके दो बंदे बच रहे थे। पर भाई मेरे टीममेट बोले भाई लास्ट बचा है, अभी उनको कैसे पता चलता है क्या पता, पर वो बोले भाई लास्ट बंदे बचे हैं तो भाई ठीक है हमें क्या, उनका तो भाई अंदर सही होगा भाई, वो तो सीनियर प्लेयर है यार। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था भाई अभी एमओ बीमो थोड़े से कम भी है तो भाई सीधा रश कर देते क्योंकि दो नौके टीममेट के हिसाब से मतलब लास्ट बंदा बच रहा है तो भाई मतलब एक ही बंदे को मारना पड़ेगा, तो भाई निकल लेते 30 बुलेट सर इनफ है उनको मारने के लिए। तो यहाँ पे सामने बग्घी होते हैं और मैं गाड़ी से इसलिए चूज़ करता हूँ भाई क्योंकि भाई वो किधर भीधर प्रोन होगा तो भाई गाड़ी से कुचल दिया जाएगा, अगर सामने से जाओगे तो भाई मुझे इजीली मार सकते हैं। तभी मुझे यहाँ से फुटस्टेप आते हैं तो मैं यहाँ पे गाड़ी रुका लेता हूँ देखने के लिए, पर वहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखता। और तभी भाई साहब मैं सोच लेता हूँ भाई पीछे से अगर कोई ब्रिज से गाड़ी आई तो भाई मतलब वो तो मेरा चकना चूरी कर देगी। सो मैं सोच लेता हूँ भाई मेरे पास थोड़ी सी बुलेट की कमी है तो मैं इस टावर पे जाता हूँ भाई, इसको जो नॉक किया है मैंने उसे मतलब यार उससे थोड़ी सी लूट भी ले लेता हूँ। पर तभी भाई साहब यहाँ पे, ओ भाई साहब ये बंदा कहाँ से आया मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, लिटरली कुछ भी आइडिया नहीं है, पर भाई कहाँ से आया इसको मैंने मार दिया। और भाई इसके पास तो ये UMP 45 थी इसलिए बच गए हम, अगर तो कोई सी अच्छी गन होती तो ये मार देता। तो भाई सामने अभी मुझे बंदे से पीछे से फायर देते हैं और सामने मुझे ओपन में तीन तीन बंदे दिखाई देते हैं। और भाई यहाँ पे मतलब मैंने उनको भी बहुत ही ज़्यादा हचक के डैमेज दिया था, कतई हचक के डैमेज दिया था, और मतलब उनके चार बंदे थे और भाई एक को हेड दिया था, मतलब अभी तो भाई पुश करना बनता ही था। और यहाँ पे मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहा था, वो मतलब मैं ओपन स्प्रे दे रहा था। भाई कितनी फास्ट कमेंट्री कर रहा हूँ, सॉरी इतनी फास्ट नहीं करूँगा कमेंट्री, स्लो करूँगा। तो भाई सामने अभी बंदे बच रहे थे और भाई वो बहुत ही ज़्यादा टैग थे तो मैंने उस पर सीधा सीधा रश कर दिया। और देखना यहाँ पे मेरे साथ एक 9 साफी करने होने वाली है। भाई तीनों पे से गाड़ी चले, बस नॉक वाला मर गया भाई, कोई नॉक भी नहीं हुआ। ठीक है कोई ना, अभी देखना यहाँ पे ओपी क्लच। भाई साहब यार इस क्लच के लिए आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या ही बात हुई है, ये बहुत ही गलत बात हुई भाई, इनको तो चिढ़ाना बनता ही था। और मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ भाई इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, आगे इससे भी खतरनाक और ओपी क्लच है। और यहाँ पे मतलब यार पूरा का पूरा मैंने सोलो स्क्वाड कर ही दिया है तो भाई इस चैनल को यार सब्सक्राइब आपको करना ही पड़ेगा। और मेरे टीममेट भाई क्या ही चिढ़ा रहे उनको भाई, ऑल के पब्लिक भाई कोई जवाब नहीं दिया उसने से भाई, शर्म के मारे तो भाई उनका सीना तो भाई अभी एकदम ऐसे अंदर जमीन के अंदर ही चला गया भाई। सो यहाँ से अभी निकल लेते फिलहाल तो, और मैं आ जाता हूँ भाई इस वाली जगह पे। अभी धोन भी बहुत ज़्यादा छोटा बच रहा था और सामने हो रही थी फाइट, और यहाँ पे एक ओपी स्प्रे। एक को फिनिश किया, एक को नॉक किया, वो बंदे आपस में लड़ रहे थे। तभी एक गाड़ी है यहाँ पे, उसे एक लास्ट में हेड कनेक्ट हुआ, अगर आपने देखा नहीं होगा तो भाई पीछे से एक बार रिवाइंड करके देखना। और तभी भाई साहब मुझे पीछे से M24 की एक बॉडी शॉट पड़ता है तो यहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक हो चुका था क्योंकि भाई ये एक अच्छा सा गेम प्ले जा रहा था और मेरे को इसको भाई बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे यार पहले हील वील कर देता हूँ और भाई सोचते तो भाई अभी वहाँ पे स्मोक हो चुका है, उनके दो तीन बंदे नॉक है तो भाई सीधा गाड़ी चढ़ा लेते हैं, क्या पता कोई नॉक भी हो जाए। तो मैं स्मोक में से गाड़ी चला तो पर वहाँ पे कोई नहीं होता, पर यहाँ पे मुझे साइड में एक बंदा लेटा हुआ दिखाई देता है। तो इसी तो मैंने मेरा मतलब नॉक कर दिया, फिनिश कर दिया। और तभी तो भाई सब सामने से फायर चलती है और यहाँ पे मैं सोच रहा था भाई यहाँ से पहले निकल लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा साबित होगा क्योंकि भाई वहाँ पे भाई दो टीममेट लड़ रहे थे, दो टीमें लड़ रहे थे। और तो मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ क्योंकि भाई अभी वो जोन के बाहर थे और मेरे पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ता था, पर भाई वो तो भाई गाड़ी से निकल लेते हैं यहाँ से, शात्री बंदे होते वो। तो मैं भाई उनको सोचता हूँ भाई अच्छा भाई हमको 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 चाल चकमा देके जाओगे, अभी देखो भाई हम तो भाई आपके पीछे गाड़ी लगा ही देंगे यार। तो भाई मैं उनके पीछे गाड़ी लगा देता हूँ पर मैं एक बहुत भूल चुका था भाई, वो दो थे और वो मुझे मार सकते थे। इनसे ले सकते हो एमओ, तुम्हारा एमओ ये फुल करेगा। ओ भाई
तो मैंने सीट चेंज करके मारा, पर मैंने उनको ने तो भाई उनकी गाड़ी को चक के डैमेज दे दिया। और यहाँ से निकल रहे थे तो भाई मतलब मैं देखता हूँ भाई उनकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। उसको मारने को कोशिश करता हूँ भाई पर यार नहीं पटती। और देखो भाई यहाँ पे मेरी गन रिलोड हो चुकी थी फिर भी रिलोड नहीं हुई, बस 13 ही बुलेट से उसमें। और भाई सामने बंदे होते तो भाई देखना अभी 13 बुलेट्स का कमाल। सो उसके पहले भाई ड्रॉप भी लूट लेते हैं। और इस ड्रॉप में कुछ नहीं मिलता मेरे को, कुछ नहीं मिलता मेरे को, क्या ही फंबल मार रहा हूँ यार। तो भाई देखा अभी मेरे पास सामने बंदे होते भाई 13 बुलेट्स का कमाल देखना, मेरे फोन में 13 बुलेट्स है। और भाई लास्ट वाला हेड कनेक्ट हुआ और टीममेट की रिएक्शन देखी भाई क्या ही स्प्रे था ये, मेरे को खुद को भाई बहुत अच्छा लगा। और टीममेट तो भाई मुझे क्या ही बोल रहे थे भाई, शेरा भी था यार, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था मुझे, मेरा हौसला ही बढ़ा रहे थे। तो भाई मैं सोच रहा था भाई अभी नेट भी ट्राई करते हैं कितने बंदे के, क्या पता ये तो सोलो वर्सेस स्क्वाड है अभी। तो पहला नेट तो यार मेरा बर्बाद हो जाता है, पर फिर सोच लेता भाई और एक नेट ट्राई करते हैं, क्या पता इसमें कोई नॉक हो जाए। मॉली करना चाहिए था भाई, तो ये नेट बहुत ही ज़्यादा कारीगर हो जाता है, जो मैंने नॉक किया था उसे तो मैं फिनिश हो जाता है और एक बंदा नॉक हो जाता है। अभी मुझे लग रहा था भाई यहाँ पे दो बंदे और बच रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फ्लैंक करने की कोशिश करता हूँ। तभी भाई साहब मुझे गिली शॉट वाला बंदा दिखाई देता है, मुझे लगा ये एक बंदा और रेड घर पर और एक बंदा है, तो यहाँ पे मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा संभल संभल के खेल रहा था। और भाई सब इसे भी यार फिनिश कर दे। और यहाँ पे भाई मतलब मेरी टीममेट के भाई सुनना गॉडजिला वाला इमोट दिखाओ। हाँ भाई यार सारी टीम सब्सक्राइबर हो जाएंगे भाई वीडियो पोस्ट करने के बाद, तो सब्सक्राइबर तो हो जाए भाई, बोल रहे थे 300 सब्सक्राइबर जाएंगे इस वीडियो के बाद, तो जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब कर ही दो इस वीडियो को और उनकी बातें सुनना भाई एक बार। भाई दुआ किए हुए तो होना ही चाहिए, होना तो चाहिए, नहीं नहीं हो रहा ना, होना नहीं चाहिए भाई, होगा क्या बोले भाई, होगा होना नहीं चाहिए, होगा लक नहीं है ना भाई, इतना जल्दी नहीं हो रहा इसका भाई, मतलब वो ऐसे बोल रहे थे भाई, मतलब एक भाई को तो मतलब आ गया सच में, आग में थोड़ा सा पानी आ गया था, मैं बहुत ज्यादा इमोशन हो चुका था भाई, मतलब उनकी बातें सुनो यार बस। ओ भाई क्यों रुल भाई, मतलब वो मेरा कितना हौसला भरा थे या बढ़ा रहे थे भाई, बहुत मजा आ गया ये बात सुन के। अभी मैंने यहाँ पे AW उठा ली, तो देखो क्या बोलते हैं दो दो ड्रॉप गन तो तबाही दिखेगी भाई, मतलब क्या ही हौसला बढ़ा रहे थे मेरे यार, मतलब बहुत ही मजा आ रहा था भाई उनके साथ खेलने में। कौन पबजी सोच रहे भाई, कौन खेल रहा है भाई, पबजी को बैन कर दिया भाई, बोल रहे हैं तबाही पबजी को बैन कर देगा, अरे पबजी को बैन कर देगा ये भाई, पबजी बंद कर देगा इसको। तो भाई मतलब इतना हौसला बढ़ेगा तो भाई कोई भी यार मतलब नुबड़ा से नुबड़ा भी भाई चिकन डिनर कर ही पाएगा, तो हम तो थोड़ा सा पीरो भी है भाई। और मैं तो कभी भी सोचता हूँ भाई मतलब यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर करने के बजाय ऐसे अच्छे दोस्त बना रहे भाई, उससे मतलब यार हमें यार मतलब इतना हौसला बढ़ता है उससे, तो भाई चौंसले पुराने पड़ते हैं भाई, ऐसे अगर दोस्त होंगे तो भाई मतलब क्या ही मजा आ जाएगा। सो फिलहाल अभी गेम प्ले की बात करते हैं, बहुत मतलब यार इमोशनल हो गए, अभी थोड़ा सा एग्रेसिव बनकर यार बंदों को भी मार लेते हैं। अभी ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहा था, पर भाई नहीं बच पाया, मेरे टीममेट के रियाज कन देख ली होगी। तो भाई यहाँ पे यार मतलब मैं ओपन में गाड़ी दौड़ा ही रहा था, क्योंकि भाई कोई बंदा बिंदा दिख जाए हमारी गाड़ी के नीचे आ जाए तो हमें मतलब यार और अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, और वैसे हो गया मैंने आगे देखना। मुझे यहाँ पे बंदा दिखाई देता है लेटा हुआ, और भाई सब उसे भी यार इजीली नॉक कर देते हैं। सब यार ओपन में जोन था, और भाई जिसके पास गाड़ी थी वो तो भाई मतलब यार बहुत ही हार्ड काम करने वाला था यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी भी दौड़ा है बोड़ा है, बहुत बहुत मज़े किए, पर अभी कोई बंदे मिल ही नहीं रहते हैं, और भाई बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था मैं, और यहाँ पे मेरा ओवर कॉन्फिडेंस कम होने वाला है। वो भाई साहब यहाँ पे मतलब आपने देखा भाई, मैं तो यहाँ पे मतलब यार बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो चुका था भाई, इतना अच्छा गेम प्ले जा रहा था, और भाई तभी मतलब यार इतना ज़्यादा मेरी हेल्थ कम हो गई भाई, फिर भी यार मतलब भगवान की कृपा से और पबजी के लक की वजह से और मेरे इतने अच्छे टीममेट की वजह से मैं यहाँ पे बच गया। अभी तो भाई उनको छोड़ने वाला था ये, मैं तो भाई पक्का मन में ठहरा ही लिया था, और पीछे से तभी यार मतलब यार फायर हो जाता है, और तभी मतलब यार मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाता हूँ। और यहाँ पे देखना पबजी के नशे, ये हेड नहीं था क्या, मुझे बताना आप, ये हेड नहीं था क्या, ये क्लियर हेड शॉट था, पीछे -10 सेकंड करके देख लो एक बार, ये क्लियर मतलब कतई 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 क्लियर हेड ही था, पर उसे नहीं पड़ा, क्या पता डीसिंग हुआ कुछ हुआ, उसका लैग हुआ मेरा लैग हुआ, कोई बात नहीं, पर यार ठीक है अभी वो मतलब यार मुझे दिख ही नहीं रहा था। और मेरे टीममेट की कमेंट तो देखो भाई,
क्या ही है एडिमेट। और यहाँ पे मतलब मेरा माइक ही बंद है क्योंकि तो मेरा ईयरफोन हाँ खराब यार हो चुका है मुझे भाई। बता दे दो। देखा भाई मतलब यार इतनी कोई इतने दिल से मेहनत करने की चाह रहा है और भाई उसका ईयरफोन ही खराब हो जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब यार मेहनत कर रहा है यार। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो भाई सब्सक्राइब कर दो। सो फिलहाल अभी मतलब मैं नेट बीट कर रहा हूँ क्योंकि भाई अकेले तो हमें बैठ के खुजली होती है। सो यहाँ पे मतलब मैं थोड़ा सा ड्रॉप बीप का कवर लेता हूँ। और भाई चार ही बंदे बच रहे थे, वो देखो सामने भाई वाले डुओ, स्टोन एक का पीछे एक छोटा बंदा था होता जिसने है किसी को तो लेकिन मारा था, पीछे पीछे वो पीछे आ पीछे जाता पीछे है यहाँ पीछे पे और इसे मतलब यार इजीली फिनिश कर देते हैं। और आपको मन में एक सवाल आ रहा था क्योंकि भाई मैं क्राउच करके क्यों उसे मार रहा था, क्योंकि पीछे से मतलब हम भी पट रहे थे और क्राउच करके बहुत ही बड़े बड़े गवत थे भाई तो उसे मतलब रिलोडिंग हो भी रहा है एग्जैक्ट ब्रो। पोजीशन नहीं दिखा रही यहाँ पे और वो सामने होती है। नेट है तो नेट फेंक दो नेट। और यहाँ पे मतलब मेरी बहुत ही ज़्यादा मैं मिस कर रहा था वो मतलब यार नेट्स को, मेरे पास नेट्स है ही नहीं थे। मेरे टीममेट को बोल दो तो भाई मेरे पास नेट्स नहीं है तो मुझे ऐसे खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे मतलब यार इंटेंस सिचुएशन है यहाँ पे देखो, क्योंकि मैं जोन में नहीं हूँ वो जोन में और वो उस पर मॉली विली सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे मुझे। अगर तो मैंने ये मैच जीता तो मैं आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा वो भी दो अकाउंट से। यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, 200 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है मेरे अभी यार, आप तो समझ रहे हो यार। मतलब जो जो मतलब यार अभी मैं नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे मतलब यार गेमिंग्स प्रो जी गुरु जी यार, मतलब वो इतने अच्छे खेलते हैं। देखो यार उनके तो इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यार, आप मुझे भी सपोर्ट कर लो थोड़ा, मैं भी आपको मतलब यार पूरा पूरा रिस्पॉन्स दूंगा आपके लिए भाई। बहुत बढ़िया गेम प्ले लाऊंगा, ऐसी बात नहीं, गेम जी गुरु जी और गेमिंग्स प्रो भी बहुत अच्छे खेलते हैं। सो फिलहाल मैं यहाँ पे रेस्ट करने की सोच देता हूँ और यहाँ पे एक को नॉक कर देता हूँ और दूसरे को एक हेड पड़ता है और भाई एक बॉडी शॉट के साथ वो भी यार फिनिश हो जाता है। यहाँ पे देखना उन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, वो पेड़ के बाहर आ गए, मैं जोर में नहीं था फिर भी यार 25 किल्स। और देखना ये मैं अभी क्राउन फोर पे हूँ पर मेरे सारे सारे टीम मेट यार एस पे थे। देखो भाई मैं भी एस पे था पर यार आपके लिए गेम प्ले बनाता हूँ तो भाई कभी कभी यार ठूक जाता हूँ तो इसलिए भाई मेरी थोड़ी सी रैंक गिर गई है। पर यार ये एसी लॉबी थी, पूरी की पूरी एस लॉबी थी, मतलब यार क्राउन 3 क्राउन 2 क्राउन की लॉबी थी। और अगर तो आपको ये पसंद है ये वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इतने अच्छे क्लच मिले यार आपको देखने को, किधर और मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल में मिलेंगे। सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपकी मर्जी हो तो, और सब्सक्राइब तो आपको 100% करना ही पड़ेगा वो भी। चलो एक ही अकाउंट से कर दो भाई, प्लस फिर प्लीज़ कर दो यार, आप देख रहे हो मेरी वीडियो अभी तक, वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। सो गाइस यही था आज के वीडियो के लिए, कल के वीडियो का इंतज़ार करना। सो भाई चलो बाय बाय।